हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका मोहसिन चांद में। आज हम बात करने वाले ड्रैगन बॉल जी के एपिसोड 33 के बारे में। अभी तक आपने अगर इसके 32 एपिसोड नहीं देखे हैं, जो कि आई बटन पे एज इट इज आपको मिल जाते हैं, जाके उस चीज का मजा उठाओ, इस वीडियो को कंटिन्यू करो। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दो, और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी कर दो। ये एपिसोड पूरा देखो और आपका फेवरेट मोमेंट आप कमेंट में लिख के बता दो। तो चलिए देखते हैं ड्रैगन बॉल जी एपिसोड 33। तो दोस्तों, अब तक हमने इस एपिसोड में देखा है जहाँ पर गोकू इस्तेमाल करना चाह रहा है स्पिरिट बॉम्ब, जहाँ वो एनर्जी गेन कर लेता है इस पूरे एनवायरनमेंट लिविंग थिंग्स के अंदर से, और अभी वो बॉल बना लेता है। वो जैसे ही मारने के लिए आगे बढ़ाता है अपना हाथ, वैसे ही इधर ये जो मॉन्स्टर है ये अपनी एनर्जी फेंक देता है, जिससे बेहोश हो जाता है गोकू वहीं पर। जहाँ ये जो मॉन्स्टर है वेजिटा वाला, ये उसके पैर भी तोड़ देता है, पैर रत्र। और अभी भी गोकू कुछ न कुछ एनर्जी समाये हुए है, जहाँ वो उसकी आँख फोड़ देता है, जहाँ पर अभी इसको बहुत गुस्सा आ चुका है, जिसने आखिरकार गोकू को पकड़ लिया है और जो कि अभी उसे पिचक कर मार देने वाला है। और इसी नोट पे इस एपिसोड की शुरुआत भी हो रही है। जहाँ पर अभी गोकू बहुत जोर से चिल्लाते हुए जा रहा है, इधर क्रिलिन और गोहान अभी भी इसके तरफ बढ़ चले जा रहे हैं, जो कि अभी तक पहुँचे नहीं है। इधर गोकू जोर से चिल्ला रहा है, तभी याजारो भी कह रहा है कि मैं इसकी कुछ ना कुछ तो मदद कर ही सकता हूँ। जहाँ पर वो देखता है उस मॉन्स्टर को और कह रहा है कि गोकू सॉरी, मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा है और मैं इसे नहीं पार सकता। जहाँ पर वो छुप जाता है, जहाँ पर गोकू की चीखें साफ साफ सुनाई आ रही है, जो कि बहुत तेज से चिल्ला रहा है। तभी इधर क्रिलिन और गोहान पहुँच जाते हैं आखिरकार उसके पास। तभी बीच में याजारो भी इन दोनों को रोक देता है, जो कि वही कह रहा है कि क्या तुम दोनों पागल हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कितना बड़ा मॉन्स्टर है, इसे तुम कैसे क्या रोकोगे। तभी वहाँ क्रिलिन कह रहा है याजारो भी से कि भाई उसकी पूछ काटनी होगी। जहाँ पर वो कहता है गोहान से कि गोहान तुम उसका ध्यान भटकाना और उतने ही देर में मैं उसकी पूछ काट दूंगा। जहाँ पर याजारो भी कह भी रहा है कि तुम दोनों को मरना है तो जाओ मरो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। जहाँ पर याजारो भी वहाँ से चले जाता है। इधर क्रिलिन और गोहान दोनों ही साइड से भागते हुए जा रहे हैं। जहाँ पर इधर हम देख रहे हैं कि ये जो याजारो भी ये गाड़ी में बैठ चुका है और वहाँ से भाग भी चुका है। इधर तभी नजर आ जाता है मॉन्स्टर को, कोई तो चीज है जो कि मेरे इर्द गिर्द घूम रही है। तभी वो इधर उधर देखता है और उसके सामने फाइनली आ जाता है गोहान। जहाँ पर गोहान कह रहा है कि मेरे डैड को तुम छोड़ दो और लड़ना है तो मुझसे लड़ो। इधर पीछे क्रिलिन आ खड़ा है, जहाँ पर ये मॉन्स्टर उससे कह रहा है कि पहले तुम देख लो तुम्हारे डैड को मरते हुए, लास्ट गुड बाय कह दो और उसके बाद तुम्हारी बारी होगी। जहाँ पर क्रिलिन अपना हाथ उठाता है, जो कि वो चक्र बना रहा है जिससे एक्चुअल में उसने मारने की कोशिश की थी नापा को, जहाँ वो क्रिएट कर देता है और वो अभी फेंक कर मारने वाला है। इधर याजारो भी दूर आकर बैठा हुआ है, जो कि कह रहा है कि यहाँ से नजारा बहुत अच्छा दिखेगा मुझे। अभी इधर मॉन्स्टर की नजर चली जाती है पीछे, जिसको पता चल चुका है कि पीछे से कुछ तो आ रहा है, इस वजह से वो जंप लगा देता है। इधर क्रिलिन ने वो चक्र फेंक दिया है, जो कि सीधा ही मॉन्स्टर के नीचे से चले जाता है, जहाँ वो गोहान का जो पर्वत है वही काट देता है। गोहान अभी भी कैसे तो करके खड़ा है। इधर क्रिलिन बहुत ज्यादा अभी टेंशन में आ चुका है, क्योंकि इस मॉन्स्टर ने देख लिया है क्रिलिन को, जहाँ वो यही कह रहा है कि तुम्हारी बारी थोड़ी देर बाद, लेकिन पहले मैं यहाँ पर गोकू का चुंबर बनाना चाहता हूँ, वो तुम देख लो। जहाँ पर वो गोकू को दबाते हुए जा रहा है, इधर गोहान बहुत ही जोर से चिल्ला रहा है, जो यही कह रहा है कि मेरे डैड को छोड़ दो, तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं होगी। जहाँ पर ये मॉन्स्टर धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है गोहान की तरफ। वो अब जैसे ही गोहान को मारने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही पीछे से याजारो भी आता है, जो कि अपनी तलवार की बदौलत उसकी पूछ काट देता है। जहाँ पर वो कह रहा है कि भाई मेरा ध्यान ही नहीं रहा पीछे। जहाँ पर याजारो भी भाग जाता है, जहाँ ये कह रहा है कि अब तुम दोनों की तो बारी है ही, लेकिन उस तीसरे को भी मैं मारने वाला हूँ। यहाँ पर याजारो भी पीछे छुप चुका है, जो कि यही कह रहा है कि भाई मैं ही बन चुका हूँ अब हीरो। जहाँ पर ये वेजिटा वाला मॉन्स्टर नॉर्मल वेजिटा में धीरे धीरे करके कन्वर्ट होते जा रहा है। इधर क्रिलिन और गोहान बहुत ही ज्यादा टेंशन में है। उधर इस मॉन्स्टर ने गोकू को नीचे छोड़ दिया है, जिससे गोकू को लग भी चुकी है नीचे। अब इधर वेजिटा बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, ये तुमने क्या कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब इस वजह से तुम दोनों को क्या तुम तीनों को ही मरना पड़ेगा। जहाँ पर याजारो भी बहुत ज्यादा डर चुका है। जहाँ अभी वेजिटा देखता है पहले क्रिलिन की तरफ और फिर सीधा ही भागने लगता है गोहान की तरफ, जहाँ वो गोहान को मारने वाला है। तभी पीछे से क्रिलिन भी आ रहा है उसे मारने के लिए। इधर वो गोहान को एक जोर का मुक्का मार देता है पेट में गोहान के, जिस वजह से गोहान पेट पकड़ कर अभी चिल्ला रहा है। तभी क्रिलिन पीछे से मारने आता है, तो वेजिटा उसे एक लात दे मारता है, जिससे क्रिलिन दूर जाकर
पर गिर चुका है, जिसके हाथ को बहुत ज्यादा चोटें भी आ चुकी है। इधर अभी वेजिटा अपना पैर उठाता है जो कि मारने की कोशिश कर रहा है गोहान को। यहाँ पर वो यही कह रहा है कि तुम एक सैयन हो, तुम सैयन की तरह लड़ो, तुम इस तरह से कायर की तरह क्यों लड़ रहे हो। जहाँ पर वो उसे उठाता है और अपना सिर दे मारता है, जिससे गोहान के सिर पर भी चोट आ जाती है। इधर अभी हम देख रहे हैं कामे हाउस के अंदर, जहाँ पर चीची को देखने मिल चुका है गोहान, जहाँ उस मॉन्स्टर ने उसे पकड़ के रखा है। जहाँ पर चीची कह रही है कि गोहान उससे लड़ो, उसे मारो गोहान मारो। इस बार चीची अलग ही फॉर्म में है, जहाँ पर ये सारे लोग चौक उठे हैं। जहाँ पर चीची देखती है इधर उधर और फिर अपने डैड को पकड़कर रोने भी लगती है। इधर जोर से चिल्ला रही है कि गोहान को मार दो, गोहान उसको मार दो, ऐसा कर नाच भी रही है और उसका क्रिस्टल बॉल भी वो दूर फेंक देती है। अब इधर हम देख रहे हैं गोहान को बहुत ज्यादा चोट आ चुकी है, जिसको पकड़कर फेंक देता है वेजिटा उसके डैड के पास कि जाओ तुम डैड से ही बात कर लो। यहाँ पर गोकू के पास ही इसको फेंक दिया गया है, जहाँ गोहान अभी गोकू से बात कर रहा है, जहाँ गोकू कह रहा है कि गोहान तुम हो, जहाँ गोकू ये कह रहा है कि गोहान तुम्हें लड़ना पड़ेगा। जहाँ पर गोहान कह रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है डैडी, मैं लड़ नहीं सकता। जहाँ गोकू यही समझा रहा है कि गोहान तुम ही लड़ सकते हो उसके लिए, जहाँ तुम्हें लड़ना ही होगा उससे। जहाँ पर याजारो भी बहुत ही ज्यादा अभी टेंशन में आ चुका है, क्योंकि अब उसकी बारी है। जहाँ पर वेजिटा कह भी रहा है कि अभी इस तीसरे वाले को भी मारना होगा। जहाँ पर गोहान मना कर रहा है उठने से, क्योंकि वो हिल भी नहीं पा रहा है। जहाँ पर गोकू उसे समझाता है कि देखो पिकोलो ने तुम्हें ट्रेन किया, तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हो गोहान, मेरी बात सुनो और समझा करो। पर तुम्हारी जान बचाते बचाते पिकोलो ने अपनी जान गवा दी, तुम्हें याद है ना, तो तुम्हें उठना है और बस ऊपर देखना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। जहाँ पर गोहान कैसे तो करके उठ जाता है और गोकू की तरफ हाथ बढ़ा रहा होता है। जहाँ पर वो जैसे ही हाथ बढ़ाता है, तभी वहाँ पर वेजिटा ऊपर से आ जाता है, जो कि गोकू के पेट के अंदर बहुत जोर से लात मारे जा रहा है। जहाँ गोकू बहुत जोर से चिल्लाता भी है। जहाँ पर गोहान उठ खड़ा होता है और अभी वो मारने के लिए आगे बढ़ता है वेजिटा की तरफ, जहाँ पर वो कंटिन्यूस फाइट किए जा रहा है। जहाँ पर वो अपना एनर्जी ब्लास्ट भी यूज करता है, लेकिन वेजिटा उसे डॉच कर जाता है। अब इन दोनों की हैंड टू हैंड कॉम्बैट जारी है, जहाँ पर ये दोनों कंटिन्यूस मारे जा रहे हैं। जहाँ पर गोहान को भी लग रहा है, कभी वेजिटा को भी लग रहा है, इस तरह से फाइट जारी है। तभी वहाँ गोकू आवाज देता है क्रिलिन को कि क्रिलिन तुम इधर आओ। जहाँ पर क्रिलिन कैसे तो करके पहुंच जाता है गोकू के पास, जहाँ गोकू कह रहा है कि क्रिलिन हमें मदद करनी होगी गोहान की। जहाँ क्रिलिन कहता है कि मेरा हाथ टूट गया है और मैं काफी ज्यादा थक भी चुका हूँ, तो मैं मदद नहीं कर सकता। तभी वहाँ क्रिलिन पहुँच चुका है गोकू के पास, जहाँ गोकू कह रहा है कि तुम्हें मेरा हाथ पकड़ना होगा और फिर मैं तुम्हारी पास वो एनर्जी दे दूंगा, जो कि है स्पिरिट बॉल की एनर्जी। जहाँ इस एनर्जी को थोड़ी बहुत मैंने बचा के रखी है और बाकी की मैं तुम्हें खींच के दे देता हूँ। जहाँ पर क्रिलिन कह रहा है कि मैं कैसे क्या फेंक सकता उस चीज को। जहाँ गोकू बताता है कि ये मेरी एनर्जी नहीं है, ये है इस लिविंग थिंग्स की एनर्जी, जहाँ पर मैंने थोड़ी थोड़ी एनर्जी गेन करके यानी इन लिविंग थिंग्स से लेके मेरे पास रखी हुई है और मैं तुम्हें लेके देता हूँ, जिससे तुम इसको कंट्रोल कर सको और फिर उसके वजह से ही तुम इस सैयन को मार भी सको। यहाँ पर क्रिलिन कहता है कि ठीक है, और अब क्रिलिन जोर से हाथ पकड़ लेता है गोकू का। अब हाथ पकड़ने की वजह से गोकू सारे स्पिरिट से एनर्जी खींचते हुए जा रहा है, जहाँ पर सारे लिविंग थिंग उसे एनर्जी प्रोवाइड भी कर रहे हैं। इधर वो एनर्जी क्रिलिन के पास में आ जाती है, जहाँ क्रिलिन कहता है कि वाकई में ये बहुत पावरफुल है गोकू। जहाँ पर गोकू उसे समझा रहा है, तभी हम इधर देख रहे हैं जहाँ पर गोहान और इस वेजिटा की बहुत अच्छे से फाइट चल रही है। जहाँ पर एक मुक्का मार देता है वो वेजिटा के आँख के ऊपर, जिस आँख को एक्चुअल में गोकू ने फोड़ दिया था। जहाँ पर जोर से मुक्का मार देता है वेजिटा उसके ऊपर, जिस वजह से गोहान नीचे गिर चुका है। इधर अभी क्रिलिन उसको हाथ में फ्लो कर रहा है, जहाँ गोकू उसे कह रहा है कि भाई उसको फॉलो करो, उसके फ्लो में बह जाओ, ना कि उसे कंट्रोल करने की कोशिश करो, जिस वजह से तुम उसका एक बॉल बना सको और वो बॉल फेंक सको इस सैयन के ऊपर। जहाँ पर क्रिलिन ऐसा करता है और उसका एक एनर्जी बॉल बना लेता है। इधर अभी दौड़ के जा रहा है गोहान को मारने के लिए वेजिटा, और वो भागकर एक जोर का मुक्का लगा देता है गोहान को, जिससे गोहान नीचे गिर चुका है अभी। जहाँ पर गोकू अभी कह रहा है कि क्रिलिन संभल कर रहना, ये सारे स्पिरिट्स की पावर है और ये पावर तुम्हें किसी भी हालत में उसकी तरफ मारनी है, जहाँ पर तुम्हें ध्यान लगाना होगा। और अब क्या क्रिलिन ये एनर्जी बॉल मार पाएगा जो कि ये स्पिरिट बॉल है वेजिटा को, और क्या वेजिटा मर जाएगा इस बॉल से, या फिर वेजिटा जीत जाएगा वहाँ पर गोहान को मार कर, यही जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा ड्रैगन बॉल का अगला एपिसोड। तब तक कीजिए लाइक इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। और तब तक के लिए देखते रहिए मूवीज़ इन।